हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय जी के स्टडी। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आरपीएफ के एग्जामिनेशन में आए थे 2014 में। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आपने देखा होगा कि रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले वही दो बातें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, 42वें संवैधानिक संशोधन को किस नाम से भी जाना जाता है? चार ऑप्शन है, सूक्ष्म संविधान, लघु संविधान, मुख्य संविधान, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, नंबर टू, लघु संविधान। भारत के 42वें संविधान संशोधन को आधिकारिक रूप से संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के रूप में जाना जाता है। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इस संशोधन के द्वारा संविधान के इतिहास में संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए, और इसलिए कभी कभी लघु संविधान भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? चार ऑप्शन है, 18, 20, 22, 25। राइट आंसर रहेगा 25। आरंभ में भारतीय संविधान में 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इसमें वर्तमान रूप में इसमें एक प्रस्तावना 25 भागों के साथ 448 अनुच्छेद, 22 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर है चौथा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? इसका राइट आंसर है थ्री। और मौलिक अधिकार लोगों के मूल अधिकार हैं, और अधिकारों का चार्टर भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में अंतर्विष्ट है। संविधान 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। ये अधिकार हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बकी, सकी घट्टा, कुंडग्राम, भांडवपुरा। राइट आंसर है कुंडग्राम। भगवान महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में बिहार और के वैशाली जिले के कुंडग्राम में इवाक्षुक वंश के राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर में राजकुमार वर्तमान के रूप में हुआ था। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थ थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चार ऑप्शन है, कनिष्क, वीमा, कुंजल, वशिष्ठ। वशिष्ठ राइट आंसर है कुंजल। कुंजल कटफिसेस 30वीं से 80 ईस्वी ने दक्षिण संपन्न क्षेत्र से परंपरागत रूप से गादर के रूप में जाना जाता है पर क्रामिक रूप में नियंत्रण करके, और विद्यमान कनिष्क के शासक काल के दौरान कुषाण साम्राज्य अपने चरम पे था। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम, तिरुचिरापल्ली, तंजैर, चेन्नई। राइट आंसर है कांचीपुरम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? सबसे पुराना कौन है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद। तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। चार वेदों में से सबसे प्राचीन वेद है। अन्य वेद हैं सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। सजीव परंपरा द्वारा आरंभिक धार्मिक मूल पाठों को आज भी पूज्य माना जाता है। ये अनुमान लगाया जाता है कि इसका निर्माण आरंभिक वैदिक काल वेन दौरान लगभग 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये 10 पुस्तकों मंडलों में व्यवस्थित 1028 भजनों और 10600 छिद्रों का एक संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोल मेज परिषद में किसने भाग लिया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। दूसरे मेज गोल मेज सम्मेलन का आयोजन सितंबर दिसंबर 1931 के दौरान वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन के काल के दौरान लंदन में किया गया था। इस सम्मेलन में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सरोजनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। सम्मेलन में गांधी जी की उपस्थिति के परिमाण स्वरूप 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 किस जल प्रणाली पर है?
चार क्वेश्चन, चार ऑप्शन है इसके, जो जिसका राइट आंसर है थ्री, गंगा, भागीरथी, हुग नदी। राष्ट्रीय जलमार्ग एक या NW1, गंगा, भागीरथी और हुगली नदी तंत्रों के पर हल्दिया सागर में इलाहाबाद तक फैला हुआ है। यह जलमार्ग 1620 किलोमीटर लंबा है, जो इसे भारत का सबसे लंबा जलमार्ग बनाता है। इसे प्रायः गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र के रूप में जाना जाता है। NW1 पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत तथा श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का क्या नाम है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका राइट आंसर है एडमस सेतु। एडमस सेतु चूना पत्थर रेतों की एक श्रृंखला है। ये सेतु श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट से दूर स्थित मन्नार द्वीप और तमिलनाडु भारत के दक्षिण पूर्वी तट से दूर पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप के रूप में भी जाना जाता है, के मध्य स्थित है। इसे राम का सेतु या राम सेतु के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, डेथ वैली किस देश में स्थित है? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर है चौथा, संयुक्त राज्य अमेरिका। मृत घाटी, डेल वैली, डेड वैली और संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट बेसिन मरुस्थल की सीमा पर उत्तरी मोजावे मरुस्थल में है। पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक मरुस्थलीय घाटी है। यह अफ्रीका और मध्य पूर्व के मरुस्थलों के साथ ग्रीम काल में विश्व के सबसे गर्म स्थलों में से एक है। पृथ्वी पर वायु तापमान का सर्वाधिक विश्वसनीय रिकॉर्ड मृत घाटी के फर्नेस क्रिक के नाम पर दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है वन, पृथ्वी का घूमरन। दिन और रात अपने कक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष की एक परिक्रमा पूरे लगभग 24 घंटे का समय लेती है। जब पृथ्वी के किसी स्थान पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वहाँ दिन होता है, जब वहाँ स्थान दूर हो जाता है, मतलब सूर्य से दूर हो जाता है, तो रात होती है। ऑब्वियस है कि ये सबको पता ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन सा मध्य में रहता है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा इसका टू, सूर्य ग्रहण तब घटित होता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरता है और चंद्रमा पूर्णतः ये आंशिक रूप से सूर्य को अवरुद्ध करता है। ऐसा केवल अमावस्या को ही हो सकता है, जब सूर्य और चंद्रमा संयोजन में होते हैं। पृथ्वी से देखने पर वे एक ही पंक्ति में होते हैं। इसे युति अयुति बिंदु के रूप में निर्देशित किया जाता है। पूर्ण रूप ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के बिंब को पूर्णतः ढक लेता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग है? चार ऑप्शन है, नींबू, साइट्रस कैंकर, गेहूं की रस्ट, भिंडी की पीत। इसके जो तीन चार ऑप्शन हो रहे हैं, केवल वन, केवल टू, केवल वन और टू, सॉरी वन एंड थ्री और चौथा सभी सही। तो इसका जो आंसर रहेगा वो चौथा रहेगा, कि इन सभी रीजनों से होता है ये रोग। साइट्रस कैंकर एक जीवाणु जनित रोग है, जो नींबू और नींबू वर्ग के अन्य पौधे सहित पत्तियां, तनों और पौधों के फलों की हानि का कारण होता है। रस्ट रोग तीन प्रकार के होते हैं, जो गेहूं लीफ रस्ट, ब्राउन रस्ट जिसे कहते हैं, स्ट्राइप रस्ट, येलो रस्ट कहते हैं, और स्टेम रस्ट, ब्लैक रस्ट को प्रभावित करता है। इसको मतलब ब्लैक रस्ट भी कहते हैं, को प्रभावित करता है। पीली सिरा मोज़ेक रोग भिंडी के उत्पादन को सीमित करता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, समय समय पर
गुदा द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे कहते हैं अवशोषण, निष्कासन, अंतर्ग्रहण। ये चार ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो है टू, निष्कासन। जीव जंतु जो कुछ पदार्थ को अपरहित रूप से भोजन की इतनी अधिक मात्रा ग्रहण कर लेते हैं कि वे इसका प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे सेल्युलोज, जिसका पाचन नहीं, जिसे पचाया नहीं जा सकता, ऐसे पदार्थ बृहद तंत्र या बड़ी आंत में चले जाते हैं। निष्कासन या बहिक्षेपण अपचित भोजन को गुदा के द्वारा मल के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? जिसका राइट आंसर है रोगाणु। जीव विज्ञान में रोग जनक रोगाणु उत्पन्न कर सकते हैं। विशिष्ट इन शब्द का प्रयोग संक्रमण कारक जैसे विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, प्रियोन, फफूंदिया, अन्य सूक्ष्म जीव का वर्णन करने हेतु किया जाता है। रोग जनकों का वैज्ञानिक अध्ययन रोग विज्ञान कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? जिसका राइट आंसर है मस्तिष्क के निकट। पीयूष ग्रंथि मटर के आकार के बराबर एक छोटा सा अंग है जो मस्तिष्क के बेस में पाया जाता है। शरीर की मास्टर ग्रंथि के रूप में ये कार्ड हार्मोन उत्पन्न करता है जो शरीर में गति करते हैं, निश्चित प्रक्रियाओं को निर्देशित करते हैं या दूसरी ग्रंथियों को दूसरा हार्मोन उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया था? जिसका राइट आंसर है डार्विन। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 द्वारा विकसित किया गया था। ये सिद्धांत बताता है कि जीवों की सभी प्रजातियां सूक्ष्म वंशागत विभिन्न विविधताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा उत्पन्न और विकसित होती है। 1859 में डार्विन द्वारा ऑन डार्जिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित करने के बाद इस सिद्धांत को वैज्ञानिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? जिसका राइट आंसर है हृदय मांसपेशी। हृदय मांसपेशी हृदय की भित्तियों में एक धारीदार मांसपेशी है। ये मांसपेशी के तीन मुख्य कारकों में से एक है। कंकाल मांसपेशी और स्मूथ मांसपेशी अन्य दो मांसपेशियां हैं। कार्डी एक मांसपेशी ऊतकों का निर्माण करती है जिसे माइओकार्डियम कहते हैं। ये अनैच्छिक प्रक्रिया है जिसे व्यक्ति पूरी चेतना के साथ नियंत्रण नहीं कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज, निम्नलिखित में से कौन गति का मानक नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसका राइट आंसर है 3 वर्ग मीटर प्रति घंटा। शुद्ध गतिक विस्कासिता की व्युत्पन्न मापीय SI मापिका ही है। शुद्ध गतिक विस्कासिता तरल के प्रभावित होने हेतु अंतर्निहित प्रतिरोध का मापक है, जहां गुरुत्व के सिवाय कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। ये गतिज विस्कासिता और इसके घनत्व एक स्वतंत्र राशि का बल का अनुपात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।